नहीं मैं मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो गलत थी तो फिर अगर वो फिर वो, वो गलत थी वो लागू थी। कैसे रह गई एक मिनट सवाल तो फिर केंद्र सरकार से पूछा बिना आराम से आबकारी नीति सही या गलत मैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी के दावे को पूछ रहा हूँ आबकारी नीति सही या गलत नहीं मैं इसी में तो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी का दावा ने भी तो अच्छा, राहुल जी मुझे एक बात बताइए अगर ये आपकारी शराब घोटाले वाली नीति गलत नहीं थी तो वापस क्यों ली इसी को चला के रखते एक महीने पहले तक हर्षवर्धन जी याद है हम डिबेट में आते थे तो कहते थे दुनिया की सबसे बेस्ट शराब पॉलिसी है अमन जी को बोलते थे अमन जी आपको कुछ पता नहीं है आतिशी आके बताती थी इतना रेवेन्यू बढ़ा है अमन जी आपको तो पढ़ना ही नहीं आता हमने इतना रेवेन्यू कमाया इतना वर्ल्ड का बेस्ट पॉलिसी है ये बोल कर जाते थे और फिर जब सीबीआई की जांच हुई तो बोलने लगे नहीं 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 ये तो एलजी ने करवाया ये हमारा कोई लेना देना नहीं हम तो वापस ले रहे इसको मतलब सही तो, तो, तो क्यों है देखिए हमारे जब से ऑलमोस्ट दो महीने होने आए हम केवल दस सवाल पूछे मैं दस महीने आपसे पांच सवाल पूछता हूँ ये कमेटी रिपोर्ट थी धवन कमेटी रिपोर्ट उसने कहा था होलसेल जो है सरकार के पास रखना ताकि मोनोपली इन चारों की ना बने क्यों उसकी बात नहीं मानी दो से बारह परसेंट कमीशन नहीं करने को कहा था फिर भी कर दिया आपने क्यों किया सुपर मुनाफा हुआ इन लोगों का उन्होंने कहा था ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ठेका मत देना ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया आपकी सरकार ने शोकॉज नोटिस जारी किया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया और आखिरी बात सुनिए 30 करोड़ ई एम डी वन फोर्टी फोर करोड़ का वेवर ये सारी चीजें दी तो दी उसके अलावा भी ये कैसी पॉलिसी थी कि सेल तो दुगनी हो गई परंतु आपका सरकार का रेवेन्यू घट गया मतलब एक सरकार का रेवेन्यू एक साढ़े सात सौ एम एल की बोतल पर इनको पता होगा ज्यादा एक साढ़े सात सौ एम एल की बोतल पर नहीं, नहीं नहीं अरे वन पे वन वाले हैं ये, ये ये मेक इंडिया थी। थी। है। जी राहुल सुन तो लीजिए और सुन तो लीजिए रख लो तथ्य साढ़े सात सौ एम एल की बोतल पर अब देखिए जनता थोड़ा ध्यान से सुने साढ़े सात सौ एम एल की बोतल पर सरकार को पहले साढ़े तीन सौ आते थे और ठेकेदार को तीस आते थे अब ठेकेदार को तीन सौ तिरसठ रुपए आते हैं और सरकार को मात्र आठ रुपए आते हैं ये मुनाफा कराया क्यों? ये आप हुड नहीं उल्टे रॉबिन मतलब सरकार से तो चोरी करके इनके पूरे राहुल जी आपके पास तब आऊंगा जब आप मुझे बताएंगे आप आबकारी नीति के साथ खिलाफ।

देखिए सीधी और साफ बात है कि जब लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग होता है तो कहीं अगर कार्रवाई सच में भी हो रही होती है तो लगता है कि एजेंसी का दुरुपयोग ही है जैसा दिल्ली में हुआ ये दोनों आपस में बिड़ रहे हैं लेकिन एक बड़ा रिचार्ज है एक छोटा रिचार्ज है एक देश को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में बेच रहा है एक दिल्ली को शराब ठेकेदारों के हाथों में बेच रहा है लगातार आप देखिए अड़ानी अंबानी की किस तरीके से आप देखिए उनकी बढ़ती जा रही है पहले एशिया में नंबर वन रही हुए फिर पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आ गए अडानी जी इस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को शराब नीति में बढ़ावा दिया वो सबके सामने है एयरपोर्ट जोन में आप देखिए किस तरीके से किस तरीके से जिनका आज आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं यही तो अमित अरोड़ा जी इनसे कितने कितना इनसे इन अड़सठ करोड़ का एक सवाल हुआ? का सवाल आप सरकारी एक काम करिएगा जी मैं टाइमर एक सवाल मेरे को क्योंकि राहुल जी का भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ डॉली जी अगर आप भी स्टैंड क्लियर कर दे सवाल ले रहा हूँ आपसे फिर आप बोलिएगा लगातार एक सवाल अगर आपकी इजाजत है एक सवाल डॉली जी एक सवाल फिर आप बोलिएगा लगातार आप लगातार बोलिएगा एक सवाल है जी जी इस मामले में सिसोदिया सही है एजेंसी सही एक को चुनिएगा जी बोलिए पूछिए सवाल मेरा यह है इस मामले में एजेंसी गलत या सिसोदिया गलत देखिए बिल्कुल सिसोदिया जी गलत है और लगाता है सही जी मतलब आप एजेंसी के प्रावेट साथ हैं यही मुझे सर्टिफिकेट चाहिए आप एजेंसी के साथ हैं बिल्कुल साथ है प्राइवेट एजेंसी के साथ फायदा पहुंचाया है प्राइवेट प्लेयर्स को जो इन्होंने फायदा पहुंचाया है अड़सठ करोड़ का नुकसान इन्होंने राजस्व को किया यहाँ पर और लगातार इस नीति में इस नीति में एक साफ और क्लियर था दो, दो सौ दस का जो नियम ग्यारह ख में स्पष्ट है टेंडर की स्वीकृति में सात दिन के अंदर अंदर पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए एयरपोर्ट में जो इन्हीं अरोड़ा जी को इन्होंने 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 दी लेकिन नहीं नहीं किया जब नहीं किया जब और सिर्फ सात जगह की फीस भरी उसके बाद भी इन्होंने 2022 अच्छा, तक इनके लाइसेंस नहीं। कैंसिल करके नहीं। दूसरे आदमी को देखिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा राहुल गांधी जी ने बार बार कहा मुझे पांच दिन नहीं पांच सौ दिन बुला लो मैं लगातार आपके सभी सवालों का जवाब मैं देता जी के पास जाना मेरा सीधा सवाल है, है आपने बोला दिल्ली वाले मामले में एजेंसी सही है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेंसी सही है गलत नेशनल मामले में एजेंसी सही है गलत बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, अच्छा। गलत। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ये, ये तो, ये तो अच्छा, तो ये खुले तौर पर स्पष्ट है मैं आपको बता रही हूँ की एयरपोर्ट जोन को तीस करोड़ की सिक्योरिटी वापस क्यों की इन्होंने उनको 30 करोड़ की सिक्योरिटी वापस क्यों की अड़सठ करोड़ का नुकसान इन्होंने क्यों किया

तो फिर अगर इतने बड़े बड़े आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने मतलब मरे से मरे चार सौ करोड़ बनाए और ये सारी चीजें तो फिर उनका चैलेंज तो सही है कि फिर वो खुले कैसे घूम रहे हैं भाई इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे गवा इतने सारे स्ट्रिंग है सब कुछ है इनके पास तो वो खुले कैसे घूम रहे हैं उनका उनका चैलेंज तो सही है बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं बिल्कुल ठीक बात है अमन जी और मुझे भी लगता है कि जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसमें प्रथम दृष्टिया मुझे भी दिखता है कि अब तक तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी चार दिन वाली चुनौती तो बहुत बाद में आई है लेकिन आज जो स्टिंग आया है अगर देश में सबको ध्यान में हो तो इस स्टिंग को आम आदमी पार्टी की जो भी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो या कोई ऐसी कमेटी हो पता नहीं है भी या नहीं है उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो आंतरिक लोकपाल कहा गया था उसके सामने इसको चलाना चाहिए था सीबीआई तो अपनी तरह से काम करेगी वो तो ना अरविंद केजरीवाल के कहने पे काम करेगी ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करेगी लेकिन अपने यहां एक आंतरिक लोकपाल की, की बात कही थी राहुल राहुल जी आप, मैं, बोला मैं तो आप, रहे मैं आप समर्थक नहीं हूँ जो आपको आ... बुरा लग रहा है आप तय कर लीजिए ना आप इधर है उधर है आप कंफ्यूज आपने दो सवाल पूछे थे सर सर उसमें तो आप है हर्षवर्धन जी के बीच में क्यों बोले वो तो आपको टारगेट कर रहे हैं आपको क्यों बुरा लग रहा है आप तो निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अभी आपने कहा नहीं अमन जी मैं आप समर्थक नहीं हूँ अभी आपकी अंतरात्मा जाग अचानक से मैं बीच में नहीं। मत बोलिए ना सर रिक्वेस्ट कर रहा आपसे हर्षवर्धन जी कंप्लीट करिए देखिए अंतरात्मा आम आदमी पार्टी या उससे जुड़े लोगों की जागवाग नहीं सकती क्योंकि अंतरात्मा जागने के लिए आपको ये याद रखना पड़ता है कि आपने पहले क्या बोला है और मैं इसीलिए कह रहा हूं जो भी इस वक्त अमन चोपड़ा जी का शो देख रहे हैं वो याद करें कि इन्होंने कहा था कि पहली पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकपाल होगा और आंतरिक लोकपाल तय करेगा कि कोई भ्रष्टाचारी है अपराधी है किसी भी तरह का कुकर्म करेगा तो उसको हम अंदर देखेंगे और बाहर कर देंगे। बाद में जो एजेंसी तय करेगी यानी एजेंसियों से बड़ा लोकपाल उनका होना था और आज जब अपने सर पर आई तो सत्येन जैन और मनीष सिसोदिया कौन सी कमजोर कड़ी है कि अब वो सीबीआई को चैलेंज कर रहे हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं यानी अगर चार दिन में गिरफ्तारी हो जाए तो वो कहेंगे देखिए हम तो कही रहे थे पॉलिटिकल वेंडेटा है भाजपा ने करा दिया अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो कहेंगे देखिए कुछ मिल नहीं रहा मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ये वाली जो पॉलिटिक्स है ये देश की जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है आ और इस, इस स्टिंग ने इस बार दस सेकेंड प्लीज प्लीज इस स्टिंग ने जो काम किया है देश के लोगों को शराब के कारोबारी शराब की कमाई का खूब पता था लेकिन शराब के कारोबार से इस तरह से कमाई कोई सरकार और उसके नेता कर सकते हैं ये पहली बार दिखा इस पहली बार पता चल रहा है ठीक है अब अब राहुल जी अब आप बोलिए जो आरोपी नंबर नौ अमित अरोड़ा ने खुलासा किया कि पॉलिसी घोटाले के लिए तैयार की गई पॉलिसी सरकार ने तैयार नहीं की कमीशन सरकार ने तय नहीं किया घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा पंजाब चुनाव में हुआ मनीष सिसोदिया ने मरे से मरे चार सौ सौ करोड़ बनाए ये सारे खुलासे होने के बाद ये सारे इस तरह के आरोप अगर किसी और पार्टी पर लगते तो क्या क्या इस्तीफा नहीं मांगती आम आदमी पार्टी मांगती नहीं मांगती राहुल जी आपसे पूछ रहा हूँ बिल्कुल आप अब मैं, हम, बस मैं सही कह रहा हूँ

चोपड़ा साहब वो स्टिंग ऑपरेशन कैसा है उसकी सत्यता कैसी है ये तो तमाम जांच अच्छा, जो सीबीआई करेगी ईडी करेगी वो जांच एजेंसी करेगी सत्यता लेकिन अच्छा, हाँ नहीं दो चीज में खाली एक पॉइंट हाँ। मैं केवल एक चीज ये कह रहा हूँ कि ये चीज कह दे देना यहाँ पे कि, तो कि वहाँ पे सोनिया गांधी भी कांग्रेस पक्ष इस्तीफा दे देखिए सवाल है देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला भी दो से चल रहा है अनंत काल तक चलता रहेगा क्या वो इतना बड़ा मामला था कि ईडी अब तक उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे ये पोलिटिकल वेंडेटा ही है कि चुन चुन के आप बीजेपी क्या चाहते हैं बीजेपी चाहते है कि विपक्ष के नेता इलेक्शन ना लड़े वो ऐसी अपने अपने घरों में, अपने कमरे में कमरे बंद हो जाए। ये, मैं इसका ये नहीं।, नहीं होता अगर अगर पास आ रहा नहीं होता, तो कोई मंत्रालय नहीं बचा जिन पर जांच न चल रही हो आप सोचिए सत्येंद्र जैन फिर आप देखिए अभी वो ट्रांसपोर्ट बस घोटाला भी एक और खुल गया घोटाला भी है सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है तो राहुल जी ने बोला राहुल जी इंटरप्ट ज्यादा मत कीजिएगा राहुल जी मुझे बताइए आपने बोला आप लोकतंत्र के सपोर्टर मतलब कोर्ट के भी सपोर्टर है बिल्कुल बिल्कुल है चलिए ए स्टिंग ऑपरेशन को छोड़ देते मैं बोल रहा हूँ स्टिंग ऑपरेशन छोड़ दीजिए ये कोर्ट का 2019 का अगस्त का ऑर्डर है सतेंद्र कुमार जैन हवालाबाज है ये ट्रायल कोर्ट का जुलाई दो हजार बाईस हाँ, मैं पढ़ के सुना आपको आप थोड़ा अनुवाद कर लीजिएगा दिटिशनर कॉपी पास इंड रिस्पेक्ट ऑफ बेनामी दार इंटर आलिया नोट द कैश दैट वॉज राउटेड थ्रो एंट्रीज जो पैसा भिजवाया गया था अकोमोडेशन एंट्रीज के रूप में वो इनफैक्ट बिलोंग टू सतेंद्र कुमार जैन उसी का था का, नहीं नहीं, एक और बताता हूँ अभी खत्म नहीं हुआ ना अभी तो शुरुआत हुई है अब फिर 2022 uh, जुलाई 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का लेते हुए कहा सतेंद्र जैन और उसके एसोसिएट्स ने हवाला फंड लिया और उससे एग्रीकल्चर लैंड परचेज की ईडी का दावा सही है और इस पर ट्रायल चले तीसरी बात मैं आपको बताता हूं आ, फिर हाई कोर्ट ने 2022 जुलाई को कहा कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और ये अरविंद केजरीवाल को पैरा 23 में डिसाइड करना है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति मंत्री को मंत्री मंडल में रखना है कि नहीं रखना अब क्योंकि ये लोकतंत्र के सपोर्टर है स्टिंग ऑपरेशन के नहीं है लोकतंत्र के कोर्ट ने कहा क्या इस पर जैन का इस्तीफा होना चाहिए या उनको वीवीआईपी मंत्री बनाए रखना चाहिए और ये समर्थक है अब एक चीज बताइए की आपको आरोपी और अभियुक्त में जो सीधे सीधे जो दोषी है अंतर को समझना पड़ेगा मैं एक ब्रेक ले लेता हूं चल्ड़ा ब्रेक चल्ड़ा के बाद समझाएगा राहुल जी डॉली जी के पास भी जाना है ब्रेक ले लो ब्रेक के बाद राहुल जी आप ही समझाइएगा फर्क आरोपी और अभियुक्त का क्योंकि जब आरोप लगाता हिट एंड रन तब तो सीधा होता है फैसला इस्तीफा लेकिन जब अपने पर बात आती है तो फिर छोटा सा ब्रेक तुरंत छोटा सा ब्रेक ले रहा